श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। माँ भगवती देवी काली स्वरूपा आद्य शक्ति पराशक्ति, इनके अनेक रूप मैंने आप लोगों को बताया है, जैसे गुहिया काली जो गुप्त काली होती है। आज भी आम जनमानस भगवती काली की पूजा करने से घर में डरते हैं। फोटो एक लगा लिया ये सोच के कि भूत प्रेत घर में ना आए, लेकिन जो पूजन होता है, पूजन प्रक्रिया लोग करते नहीं है। और जो तांत्रिक प्रक्रिया है वो करने में लोग असक्षम है, क्योंकि जैसे हमारा ही घर है, जब हम गृहस्थ पूजा करते हैं तो वो बिल्कुल ही सात्विक होता है, लेकिन जब हम अपने दक्षिणा काली मंदिर, रुद्र काली मंदिर में करते हैं, भैरव मंदिर में पूजा करते हैं, तो वो तांत्रिक विधि से होती है। तो लोग ये समझते हैं कि जब भगवती की पूजा होती है तो उसमें बलि पूजन अनिवार्य होता है, उसमें कारण भोग अनिवार्य होता है, लेकिन गृहस्थों के लिए इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं है। ये उनके लिए है जो तंत्र, तांत्रिक और तांत्रिक प्रक्रिया करते हैं। मुझे ध्यान है कि अभी कुछ दिन पहले एक तांत्रिक के यहाँ पूजा हो रही थी, और उन्होंने अपने आचमनी से जो भगवती को महाप्रसाद कारण चढ़ाया था वो लोगों को बांटने लगे। तो इस पर एक पंडित जो वहाँ बैठा था उसने घोर विरोध किया, और उसने मतलब पूरी चढ़ाई कर दी कि आप काली का गलत पूजा कर रहे हो, हमने पूरा शास्त्र पढ़ा है, इसमें कहीं भी काली को कारण देने का प्रावधान नहीं है, बलि भी गलत होता है। तो मैंने उनको समझाया कि करपात्री जी महाराज ने भी बलि को उचित बताया था, और रही कारण की बात तो वो भगवती का भोग है। आप तांत्रिक पूजा में जो बताने लगते हैं कि कारण नहीं दीजिए, बलि नहीं दीजिए, वो उसी तरीके से है जैसे एक तांत्रिक बताए कि विष्णु पूजा में आप तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं या ऐसा ना करें। तो हर विधान का एक अलग प्रक्रिया बताया गया है, और जो गृहस्थ हैं उनके लिए काली पूजा का प्रक्रिया थोड़ा अलग है। जब आप काली की पूजा करेंगे अमावस्या की रात में, भगवती काली का जो पूजा होता है वो थोड़ा विशेष होता है, वो थोड़ा विशेष माना जाता है। जैसे भैरव जी की पूजा में कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है हर महीने की, उसको हम लोग भैरव अष्टमी के रूप में मनाते हैं, वैसे ही हर अमावस्या को हम लोग भगवती काली के विशेष पूजा के रूप में हम लोग उसको करते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए ये समझिए। जब आप भगवती काली की पूजा करते हैं घर में, तो दक्षिणा मूर्ति आप नहीं रख सकते, जिसमें कि जैसे अभी जो मूर्ति है आपके स्क्रीन पे, ये दक्षिणा मूर्ति नहीं कहलाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके की मूर्ति, इस तरीके की तस्वीर आप अपने घर में रख सकते हैं, जिसमें भगवती का आंख जो है वो भैरव की आंख से ना मिल रहा हो, या महादेव की आंख से ना मिल रहा हो। महादेव को भैरव बोलते हैं इस रूप में, ठीक है। दूसरा, आपके वस्त्र लाल या सफेद हो सकते हैं, काले नहीं हो सकते हैं जैसे तांत्रिक पहनते हैं। लाल आप पहन सकते हैं, और ऊपर भी आपको अपना तन ढकना होता है, क्योंकि घर में सम्मोहन धन के लिए पूजा की जाती है, तो लाल कमल का आसन आप लोगों को रखना चाहिए, ठीक है। भगवती को पुष्प लाल चढ़ाएंगे, ठीक। लाल जो पुष्प चढ़ाते हैं उसमें हम लोग अड़हुल का फूल चढ़ाते हैं, ठीक है, जिसको चाइना रोज भी कहते हैं। तो उसके ऊपर जो उसका बर्ड होता है उसको हम लोग तोड़ देते हैं, सिर्फ पेटल्स को चढ़ाते हैं, कभी भी भगवती को सीधा फूल नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है। पुष्प मुद्रा होता है, पुष्प मुद्रा में जो नीचे के बीच के तीन फिंगर्स हैं, मतलब इंडेक्स, लिटिल और रिंग फिंगर, इनको इंटरलॉक करके अंदर की तरफ रखते हैं, लिटिल फिंगर से पुष्प उठाते हैं, और जो दोनों थंब रहता है वो भी टच होता है, उससे आप पुष्प को उठा के भगवती को अर्पण करते हैं, ठीक है। तो वस्त्र हो गया, पुष्प हो गया। भोग में आते हैं, भोग में बलि भोग घर में नहीं चढ़ता है, ठीक है। भगवती को जब आप सौम्य रूप में पूजन करते हैं तो भगवती का प्रिय भोग है खीर,
गुड़ में बना हुआ खीर। इसके अलावा जो शुद्ध मिष्ठान होते हैं जिसमें कि ये चौरठ नहीं मिला हो, अगर घर में आप मिष्ठान बनाए तो अति उत्तम रहता है, वो बिना नमक का भगवती को खिचड़ी चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और बहुत लोग पूरा थाल, जितना भोजन आप करते हैं उस पूरे भोजन को बिना लहसुन, बिना प्याज और बिना नमक के बना करके पूरा थाल जो है भगवती के सामने भोग में रख सकते हैं, ठीक है। आप जब काली मंदिर जाएंगे तो आप देखेंगे कि सरसों के तेल का, जो पीले सरसों का तेल है, उसका दीपक जलता है निरंतर, लेकिन गृहस्थ ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। गृहस्थ में माना जाता है, जब आपने देखा हो, क्योंकि जब भी मैं पीले तेल की बात करता हूँ तो उसमें एक ना एक तेल, चाहे वो तिल का तेल हो मिलाने बोलता हूँ या चमेली का तेल हो मिलाने बोलता हूँ। और अगर पीला सरसों नहीं, काले सरसों का तेल है, ये कभी नहीं घर में जलाना चाहिए, क्योंकि उससे प्रेत बाधा हो सकती है। तो जब गृहस्थ काली पूजा घर में करेंगे तो वो घी से करेंगे, घी का दीपक होना चाहिए और वो 5 दीपक, 5 की संख्या में होना चाहिए, ठीक है। इतना हो गया, भगवती की आपने तस्वीर रख ली, आपको मैंने पुष्प चढ़ाने बता दिया, आपको आपके वस्त्र बता दिए, भगवती का भोग बता दिया, दीपक बता दिया। भगवती को एक चुनरी चढ़ानी चाहिए वस्त्र के रूप में। ये आप फिर से ध्यान रखेंगे कि मैंने बहुत जगह देखा है कि काली चुनरी भगवती को चढ़ाता है क्योंकि काली है, लेकिन काली को काली चुनरी नहीं चढ़ती है, लाल ही चढ़ाना चाहिए। क्यों लाल चढ़ाना चाहिए? क्योंकि भगवती भैरव के ऊपर आरूढ़ है, ठीक है। भगवती सुहागन है और सुहागन का लाल ही चुनरी होता है, इसीलिए लाल चुनरी आप भगवती को चढ़ाएंगे। अब आते हैं धूप पर। धूप में ये जो किंवदंत है कि आप अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, हाँ, और अगरबत्ती इसलिए नहीं जलाएंगे क्योंकि उसमें बांस की लकड़ी होती है, तो उस हिसाब से आप हवन कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चिता जो है वो आम की लकड़ी पे ही जलता है। चंदन कभी नहीं आप लेप सकते हैं रघुनंदन को, क्योंकि चंदन की लकड़ी से जो है अंत्येष्टि होती है। तो ये सब छोड़ते हुए 5 अगरबत्ती आप भगवती को चढ़ाएंगे। जब तांत्रिक पूजा करते हैं तो 3 अगरबत्ती चढ़ाते हैं, ठीक है। तो धूप, दीप, नवेद, पुष्प हो गया, फल भी चढ़ाना चाहिए भगवती को, ठीक है। 5 तरीके का फल चढ़ाना चाहिए, नवेद भी 5 तरीके का होता है तो अच्छा रहता है। अब आते हैं दिशा पर। दिशा तांत्रिक साधनाओं के लिए होती है। घर में आपको पूजा वही करना चाहिए जहां आपका पूजा स्थान है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि जो घर होता है ना, जो वास्तु के अनुसार जब हम बात करने लगते हैं ना, तो वो घर की बात होती है। घर और फ्लैट में अंतर होता है। एक एक बाउंड्री के अंदर, मतलब एक कॉमन वॉल के अंदर घर है तो उसको रूम की संज्ञा में रखा जाता है, ठीक है। तो जो हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं ना, वो रूम की संज्ञा में ही आता है, क्योंकि वो एक ही कंटिन्यूअस वॉल है, ठीक है। जो बड़े बड़े पहले घर होते थे उसमें बीच में आंगन होता था, तो फिर उसमें वास्तु वास्तु चलता था। तो जहां भी आपका पूजा स्थान है, जिस भी मुख आप होकर के पूजा करते हैं, कोशिश करना चाहिए पश्चिम मुख का पूजा ना करें। ये कभी मैं जब शिवलिंग का वर्णन करूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि पश्चिम मुख का क्यों नहीं पूजा करते हैं, ठीक है। बहरहाल आप ये समझिए कि हम जो है पश्चिम मुख छोड़ के किसी भी मुख में बैठ करके पूजा करेंगे, ठीक। अब आते हैं मंत्र पर। देखिए, आप तय कर ले कि आपको भगवती के किस रूप की पूजा करनी चाहिए। जो गृहस्थ हैं उनको सबसे अच्छा होता है कि भगवती के आद्या रूप का, मतलब सबसे प्रथम रूप की पूजा करनी चाहिए। तो स्फटिक की माला लें, काले हकीक की नहीं, स्फटिक की माला लेंगे। रात्रि में आप जाप करेंगे, ठीक है ना। रात्रि में जब आप जाप करेंगे तो पंचांग देख के तिथि देख लेंगे। जैसे इस बार जब काली पूजा होगा तो 12:05 पर समाप्त हो जाएगा, तो अमावस्या की पूजा इस बार अगर कर रहे हैं आप तो 12:05 पर समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 11 बजे शुरू करेंगे। तो अगर आप आद्या रूपी भगवती की साधना कर रहे हैं तो आप जिस मंत्र का जाप कर सकते हैं, 5 माला ऐसे हम जाप करते हैं। तो क्या मंत्र का जाप करेंगे? ओम ह्रीम आद्या माता। क्या? ओम ह्रीम आद्या माता, ओम ह्रीम आद्या माता, जिनको भगवती का जाप करना है। तो ओम क्रिम कालिकाय नमः, ओम क्रिम
कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ठीक है। और जिनको थोड़ा उग्र करना है, ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, जो बैचलर हैं, जो बैचलर रहते हैं, वो इस मंत्र का जाप करें, ओम काली भद्रकाली रुद्रकाली मंत्र हुम स्वाहा, ओम काली भद्रकाली रुद्रकाली मंत्र हुम स्वाहा। तो इन तीनों मंत्रों में आप किसी का चुनाव करके 5 माला जाप कर लें, ठीक है। उसके बाद भगवती को जाप अर्पण करके बोलेंगे, गुह्या गुह्या गोपत्रितम गृहणम स्म कृतम जपम सिद्धिर भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी। भगवती का प्रणाम मंत्र शुरू और अंत में बोलना चाहिए। जब आप जाप करना शुरू करते हैं और अंत में, तो वो अपने हिसाब से होता है, काली काली महाकाली काली के पापा हारिणी धर्म अर्थ मोक्ष दे देवी नारायणी नमोस्तुते। मतलब धर्म भी दो, मोक्ष भी दो, अर्थ भी दो। ये गृहस्थों के लिए सबसे अच्छा मंत्र होता है, काली काली महाकाली काली के पापा हारिणी धर्मार्थ मोक्ष दे देवी नारायणी नमोस्तुते। इतना करने के बाद हवन कर सकते हैं, अगर आप करने में सक्षम हैं तो। चाहे तो नॉर्मल हवन सामग्री रखिए जो बाजार में मिलता है, या फिर तिल लौंग गूगल मिला के हवन सामग्री बनाइए, और 9 लकड़ियों से त्रिपुंड बना करके, त्रिपुंड हवन कैसे करते हैं इसका एक अलग वीडियो है, तो त्रिपुंड बना करके उसमें दशांश आहुति, मतलब 54 बार आप आहुति दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आरती कर लीजिए, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नामी भवम भवानी सहितम भवम भवानी सहितम, और पूजा पूर्ण हुआ। उसके बाद प्रसाद उठाएं, सबको बांटे, खुद भी लें और भगवती का आनंद रूपी आनंद का लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें जो साधना का शुरुआती आयाम है वो हम आपको सिखाते हैं, यंत्र मंत्र तंत्र सब कुछ। जिनको मेरे आगे का कार्यक्रम जानना है, मेरा लेख पढ़ना है, वो www.agortantra.com पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath.cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस प्रोफाइल पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। समस्या में माँ भगवती आपको धन धान्य से परिपूर्ण करे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।